अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना तेजी से वापस जा रही है और तालिबान ने अफगानिस्तान के अधिकांश इलाकों पर अपना कब्जा होने का दावा कर दिया है। तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन भी मिल रहा है और इन सब के बीच अफगानिस्तानी सेना के प्रमुख 27 जुलाई को भारत दौरे पर आ रहे हैं। क्या हो सकते हैं इसके मायने? क्या तालिबान से निपटने के लिए भारत से सैन्य मदद मांगने वाला है अफगानिस्तान? अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही तालिबान ने अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाकों पर अपना कब्जा होने का दावा कर दिया है। खबरें तो यहां तक हैं कि भारतीय संपत्तियों को निशाना बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बढ़ती हिंसा के बीच भारत ने कांधार में अपने कॉन्सुलेट को अस्थायी तौर पर बंद करके 11 जुलाई को ही अपने स्टाफ को वापस बुला लिया था। इन खबरों के बीच अफगानिस्तान के सेना प्रमुख जनरल वली मोहम्मद अहमदजई 27 से 29 जुलाई तक भारत का दौरा करने वाले। अपनी इस यात्रा के दौरान अहमदजई भारतीय सेना प्रमुख से मुलाकात करेंगे। इस बात की भी चर्चा है कि संभव है कि अफगानिस्तान के सेना प्रमुख भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल से भी मुलाकात करें। इस पूरी घटनाक्रम के बीच अफगानिस्तान के सेना प्रमुख का भारतीय दौरा क्या ये भी दिखाता है कि तालिबान को अफगानिस्तान से खदेड़ने में अब अफगानिस्तान भारत की मदद चाहता है? इस बीच अब आगे भारत की अफगानिस्तान नीति क्या होगी? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ताशकंद में पहले ही कह चुके हैं कि दुनिया को काबुल में उन शक्तियों को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो बल प्रयोग के जरिए सत्ता पर काबिज होना चाहती है। हाल ही में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद ममुनजे ने कहा था कि अगर तालिबान से बातचीत नाकाम रहती है तो उसके खिलाफ जंग में भारत से सैन्य मदद ली जा सकती है। वहीं तालिबान ने कहा था कि भारत को तटस्थ रहना चाहिए और उसे अफगानिस्तान सरकार को किसी तरह की सैन्य मदद नहीं मुहैया करानी चाहिए। अफगानिस्तान भारत का एक मित्र देश है और वहाँ की जनता और वहाँ की सरकार दोनों ही भारत की तरफ देख रही है। इस समय भारत से मदद की इच्छुक है। मैं समझता हूँ कि भारत को खुल के इस समय अफगानिस्तान की सरकार की मदद करनी चाहिए और हर तरह से मैं समझता हूँ सैन्य भी मैं समझता हूँ कि मदद जो पॉसिबल हो वो देनी चाहिए, सिवाय इसके कि अपने ट्रुप्स वहाँ पे ना भेजे बल्कि उनको ट्रेनिंग की, उनको उनको असलहे देने की, हर तरह की मदद करनी चाहिए। पिछले हफ्ते तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन से बातचीत करते हुए धमकी दी कि भारत विदेशियों द्वारा स्थापित अफगान सरकार का पक्ष ले रहा था और वो तालिबान के साथ नहीं है। अगर भारत अफगानों पर थोपी गई सरकार का समर्थन करने की अपनी नीति पर कायम रहता है तो शायद उसे चिंतित होना चाहिए। अतीत में जब भी अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल रहा, भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। 1989 में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के दखल और 2001 के अमेरिकी युद्ध से भारत ने स्वयं को रणनीतिक तौर पर दूर ही रखा था, लेकिन सोवियत संघ की वापसी के बाद सामने आई राजनीतिक अस्थिरता के कारण अफगानिस्तान की धरती को आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया। 1999 में इंडियन एयरलाइंस का विमान हाईजैक में भारत बड़ा नुकसान उठा ही चुका है। अब वापस खराब होते हालात में भारत के लिए खतरा फिर से खड़ा हो गया है। दरअसल भारत ने पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में निवेश किया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय ट्रेड साल 2019-2020 में 150 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी करीब 11,500 करोड़ पार कर गया था। भारत की तरफ से अफगानिस्तान को होने वाला निर्यात $1 बिलियन तक पहुंच गया था। वहीं अफगानिस्तान से भारत में होने वाला आयात भी करीब $530 मिलियन तक पहुंच चुका है। भारत के इस समय अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसीलिए इस निवेश के मद्देनजर भी भारत को अपनी रणनीति साफ करनी होगी। भारत ने अफगानिस्तान में $3 बिलियन से भी ज्यादा का निवेश किया है और भारत के आज भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में चल रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान में बड़े डैम्स बनाए हैं, ब्रिजेस बनाई हैं, सड़कें बनाई हैं और अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास में भारत ने अपना सकारात्मक योगदान दिया है। चाबहार पोर्ट के माध्यम से भी भारत अफगानिस्तान में अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में यदि तालिबान का अंधकारमय शासन फिर से स्थापित हो जाता है तो जाहिर है कि भारत के ये जो डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो अधर में पड़ सकते हैं। वहीं तालिबान ये बात कह चुका है कि रूस, ईरान और चीन के साथ उसके राजनीतिक संबंध हैं। चीन तो पाकिस्तान के सहारे कई साल से तालिबान के साथ गुपचुप बातचीत कर रहा है। इस सब के मद्देनजर सवाल यही है कि तालिबान के बढ़ते वर्चस्व के बीच क्या भारत अफगानिस्तान सरकार की सैन्य मदद करेगा?
भारत ने इस पर फिलहाल कूटनीतिक चुप्पी साधी हुई है, यानी इन संभावनाओं को भारत ना तो खारिज कर रहा है और ना ही स्वीकार कर रहा है। इसे भारत के रवैये में एक बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि भारत अभी तक अफगानिस्तान को सैन्य मदद देने के सवालों को एक सिरे से खारिज कर देता था, मगर ऐसे हालात में भारत की स्ट्रेटेजी अब क्या हो सकती है? मेरे को नहीं लगता कि बायलैटरल बेसिस पे भारत जो है बूट्स ऑन ग्राउंड जिसको बोलते हैं उसके लिए शायद अग्री होगा, क्योंकि सिचुएशन जो है जिस तरह की वहां पर वो हमें दिखी रही है कि किस तरह का वो है। भारत के लिए वहां स्टेबिलिटी बहुत आवश्यक है और भारत ने हमेशा यही कहा है कि जो भी पीस प्रोसेस हो, डायलॉग हो, वो सब अफगान लेड अफगान कंट्रोल होना चाहिए और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वहां की समान हो, और साथ में ये कि वायलेंस से कोई जो है लेजिटिमेसी नहीं आ जाएगी। इसलिए तालिबान को भी जरूरत है कि उनका जो भी रूल हो, जो पार्टिसिपेशन सरकार में हो, उस सब के अंदर उनको एक लेजिटिमेसी भी मिले, और वो तभी मिल सकती है जब डायलॉग के थ्रू दोनों एग्री करें। फिलहाल ये उम्मीद की जा रही है कि 27 से 29 जुलाई के बीच अफगानिस्तानी सेना प्रमुख के भारतीय दौरे के दौरान ये बिल्कुल साफ हो जाए कि अफगानिस्तान के प्रति अब भारत की रणनीति क्या रहने वाली है। अफगानिस्तान को दुनिया की महाशक्तियों का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगर अफगानिस्तान शांतिपूर्ण और सुरक्षित न रहे तो जाहिर है भारत के लिए लगातार खतरा बना रहेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।